अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक और सवाल जो बार बार मेरे पास आ रहा है कि आप सादात के बारे में बात करते हैं, सादात के एहतराम के बारे में बात करते हैं। हमने तो ऐसे सादात भी देखे हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते, जो गुनाह भी करते हैं, या गुरूर व तकब्बुर करते हैं, अपने सैयद होने पर इतराते हैं, और या मुख्तलिफ और बाज़ ऐसे अमल में पड़े हुए हैं कि वो अपने सैयद होने का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या इनके ऊपर भी हम वही अदब का मामला रखें? ये सवाल एक ज़माने में गैर मुकल्लिदीन उठाया करते थे और गुस्ताख उठाया करते थे, लेकिन अब अहले सुन्नत में भी बाज़ लोग ये सवाल करते हैं। अब ताज्जुब होता है, हैरानी भी होती है कि ये सवाल की वजह क्या है। सवाल की वजह यह है कि हमने हर चीज़ को बड़ा सतही ले लिया है। हर इंसान की इज्जत हमें करनी है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, और यही सबक हुजूर ने हमें पढ़ाया है। इंसान की इज्जत करनी है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात भी बनाया है और अच्छी साख पर पैदा किया। अगर इंसान अपने आमाल की वजह से गुनाहों का रास्ता इख्तियार कर ले, मासियत का रास्ता इख्तियार कर ले, तो वो एक बीमार की हैसियत रखता है, और बीमार से हमदर्दी की जाती है, नरमी की जाती है, उसे दूर नहीं किया जाता। ये एक आम इंसान के लिए बात कर रहा हूँ। फिर सादात के बारे में बात करेंगे। इंसान है, नफ्स सब में है, सब एक जैसे होते नहीं। हर सैयद वली हो ये भी ज़रूरी नहीं। सादात से भी गुनाह हो सकते हैं, मासूम कोई भी नहीं। सादात भी ऐसे हो सकते हैं जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सादात का एहतराम क्यों किया जाता है? सादात का एहतराम किया जाता है कि उनकी हुजूर से नस्बत है, उनकी अहले बैत से नस्बत है, उनके बदनों में जो खून दौड़ता है वो मौला अली और फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाही अलैहा का खून है, मेरे मदनी पाक का खून है, हसनैन करीमैन का खून है। उस खून की नस्बत से, उस रिश्ते की नस्बत से हम उनका एहतराम और इज्जत करते हैं, और सादात को भी एक दूसरे का एहतराम और इज्जत करनी चाहिए। ये बात नहीं है कि सादात आपस में एक दूसरे का एहतराम नहीं करें या नहीं करें, तो उन्हें भी एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करना चाहिए, और गैर को भी सादात का एहतराम और इज्जत करनी चाहिए। और ये इज्जत और एहतराम हुजूर की वजह से है, उनकी अपनी ज़ात की वजह से नहीं है। और अगर वो अपनी ज़ात में कोई चीज़ कोताही करते हैं तो उनके गुनाहों का मामला और फ़ैसला तो हमने तुमने नहीं करना, अल्लाह ने करना है। लेकिन तुम उनकी इन वजूहात की वजह से अगर उनके एहतराम और अदब में तफरीक करोगे तो कहीं तुम्हारी पकड़ ना हो जाए, क्योंकि इन्हें नस्बत हुजूर से है, ये आल हुजूर की। अगर एहतराम और अदब के दायरे में उनकी हिदायत का सामान कर पाओ तो तुम्हारे लिए तो बड़े अजर का मुकाम होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उनके बारे में अपने दिलों में इस तरह के ख्यालात और सवालात ना लाओ, क्योंकि उनकी इज्जत और एहतराम तुम हुजूर की वजह से कर रहे हो, हुजूर की नस्बत की वजह से कर। अगर उनके आमाल में कोताही है तो उसके अपने रब को जवाब दे, तुम्हें जवाब देना थे ना है। इसलिए गुनाहगार से कभी भी नफ़रत नहीं की जाती, गुनाहगार से यूँ बेअदबी नहीं की जाती क्योंकि वो गुनाहगार है, बल्कि हमारी नज़र उसकी बीमारी पर होती है कि ये बीमार है, इसे हम शिफायाब करने की कोशिश। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई सादात बन नहीं सकता, कोई अपनी मर्ज़ी से तरक्की करके सादात बन नहीं सकता, सादात में हो नहीं सकता। ये तो अल्लाह के करम से, अल्लाह के रहम से वो सादात में होते हैं। तो क्या अल्लाह नहीं जानता माज़ अल्लाह कि ऐसे लोगों को सादात में परवान चढ़ाओ जो ये काम करें? बेशक अल्लाह के नज़दीक इन अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, तुम में से जो तकवे के रास्ते पर चलते हैं वो अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम है। लेकिन तुम्हारे दरमियान क्या मामला है? इस आयत का इतलाक अल्लाह के लिए है कि अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया में फैसले करते फिरो कि इस सैयद की तो इज्जत करूँगा और उसकी नहीं करूँगा। इस तरह तो सारा माहौल बिगड़ जाएगा, अदब के तकाजे टूट जाएंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, और ख़ुद अगर मेहनत कर सकते हो तो अदब के दायरे में मेहनत करो और अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे
क्योंकि वो गुनाह समेट रहे हैं। देखो, सिर्फ सैयद होने से निजात नहीं मिल सकती जब तक तुम अपने रब को राज़ी करने की मेहनत ना करो। तो सादात जो अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि सादात के घरों में भी बस ऐसे काम देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं जो नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला सबकी हिदायत का फ़ैसला करे। मैं बंदा है नाचीज़, मेरे लिए आप दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।